क्या अंधेरे में डूब जाएगा पाकिस्तान? श्रीलंका की तरह होगा पाक का हाल। बिजली कटौती का राजधानी पर ऐसा असर, 9 बजे के बाद पाकिस्तान में अंधेरा कायम रहे। गुलजार सड़कों पर अंधेरे का साया, कंगाल हुआ पाकिस्तान, नेता कर रहे ठन ठन गोपाल, भिकमंगे पाकिस्तान की अंधेरे वाली मुसीबत, शहबाज सरकार की फिर से फजीहत। अंधेरे को निकाला जा रहा है मगर घर से उजाला जा रहा है, किसी मशहूर कवि की ये पंक्ति पाकिस्तान के मौजूदा हालातों की बानगी कर रही है। नई नवेली शहबाज सरकार को 6 महीने भी नहीं हुए कि उससे पहले ही पाकिस्तान को श्रीलंका की तरह कंगाली की राह पर चलना पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं बिजली का संकट भी अब देश में अंधकार फैला रहा है। हाल ही में सरकार के एक मंत्री ने लोगों से कम चाय पीने की हिदायत दी थी, जिसके बाद विश्व भर में पाकिस्तान का खूब मजाक उड़ा था। अब जो सरकार नई गाइडलाइन लाई है वो उसकी और फजीहत कर रही है। जरा समझिए, पाकिस्तान में बिजली गुल, सियासत फुल। नई गाइडलाइन के मुताबिक राजधानी इस्लामाबाद और कराची में 9 बजे के बाद बाजार बंद हो जाएंगे। 9 बजे के बाद शहरों में धारा 144 लागू होगी। 30 जून तक 3.5 घंटे तक पावर कट का सामना करना पड़ेगा। और अगर पंजाब की बात करें तो 16 जुलाई तक कोई भी रियायत नहीं मिलेगी। अब जरा ये भी देख लीजिए कि जब रात में 9 बजे के बाद कर्फ्यू जैसे हालात होंगे तो कहां कहां रियायत रहेगी और क्या क्या बंद रहेगा। 9 बजे के बाद पत्ते गुल, क्या खुला क्या बंद। जरूरी सेवाएं खुली रहेंगी जबकि कपड़े की दुकानें बंद रहेंगी। खाने के होटल खुल जाएंगे लेकिन शॉपिंग मॉल पर ताला लगा होगा। मैरिज हॉल 10 बजे तक खोल सकते हैं लेकिन बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। अब इस फैसले के बाद पाकिस्तान की कंगाली के चर्चे पूरे विश्व भर में हो रहे हैं, लेकिन एक सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा कि आखिर पाकिस्तान की ऐसी हालत हुई कैसे। तो सुनिए, पाकिस्तान के कंगाल होने की स्क्रिप्ट। साल 2013 में देश पर 8.87 लाख करोड़ रुपए का लोन था, जो कि साल 2021 तक बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए ज्यादा हो गया है। पेट्रोल डीजल की कीमत 200 रुपए प्रति लीटर के ऊपर पहुंच चुकी है। IMF से 3 अरब डॉलर की सहायता के जुगाड़ लेने की कोशिश में सरकार जुट गई है, पर यूनिट बिजली की कीमत 24.82 रुपए पहुंच चुकी है। डॉलर से 82 पैसा पाकिस्तानी रुपया कमजोर हो चुका है। पाकिस्तानी तेल का आयात भी बेहद कम हो गया है। विदेशी मुद्रा भी लगातार कम हो रही है। पाकिस्तान में हर बढ़ते दिन के साथ आर्थिक हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अप्रैल के महीने में तख्तापलट की तपिश थी, लेकिन अब तो गृह युद्ध जैसे संकेत मिलने लगे हैं। ऐसे में पाकिस्तान का ऊंट अब किस ओर करवट लेगा और आम नागरिकों को इसका क्या असर देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान में हर दिन खराब हो रहे हालातों पर नियंत्रण आखिर कब आएगा और जनता को रियायत कब मिलेगी। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।